उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने BWI FNB के सहयोग से बाल श्रम के मुद्दे पर हितधारक संवाद का आयोजन किया और कहा कि बाल मजदूरी में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तुलाराम शर्मा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने बताया कि बाल मजदूरी की समस्या बच्चों को शारीरिक मानसिक और नैतिक रूप से प्रभावित करती है, जिससे बच्चों के भविष्य की अभिनव विकास पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और ये समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, जिसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस का अवलोकन किया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। बाल मजदूरी के विभिन्न कारण हैं जो कि बच्चों को काम करने के लिए विवश करते हैं और बहुत से लोग उनकी इस विवशता के लिए उनके नादानियों और मासूमियत का लाभ उठाते हैं। अगर बाल मजदूरी एक समस्या है तो इसके दुष्परिणाम भी समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के द्वारा कार्य करते वक्त अगर कार्यस्थल पर कुछ गलती हो जाती है तो मालिक के द्वारा उस बच्चे को शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है या फिर मानसिक तौर पर उस बच्चे को भला बुरा बोला जाता है, जिससे बच्चे के स्वभाव पर बुरा असर पड़ता है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के प्रयास हैं कि बाल श्रम को जड़ मूल से समाप्त करना है। यह कलंक है। 1986 में श्रम को दो श्रेणियों में बांटा, 14 साल की उम्र के बालकों को प्रतिबंधित कर दिया गया और 14 से 18 साल के बालकों को भी खतरनाक श्रेणी के कामों से प्रतिबंधित कर दिया गया। श्रम में सम्मिलित बच्चा मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो शिक्षा की ओर ले जाना है और जैसे जिन लोगों की बहुत ही मजबूरी है कि बच्चों को मजदूरी करानी ही है तो उनके परिवार के सदस्यों को रोज़गार देना है। जैसे कि महिलाएं हैं तो उनको किसी तरह का MSME का प्रशिक्षण देकर जो है उनको रोज़गार देना है। सिलाई सेंटर हमारे चल रहे हैं तो सिलाई सिखाई जा रही है महिलाओं को और रोज़गार भी दिया जा रहा है। अभी मेरे संस्था के द्वारा 10 महिलाएं जो हैं रोज़गार पा रही हैं और मेरे स्वयं सहायता समूह भी चल रहे हैं। तो और स्वास्थ्य के प्रति जो है हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कैंप लगा रहे हैं, मलिन बस्तियों में जाकर हर बस्ती में हम कैंप लगाते हैं और लोगों को शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और रोज़गार के प्रति जागरूक। आज का विषय है बाल श्रम के मुद्दों पर इतलाब की संबंध जो बाल श्रम मजदूरी कराते हैं लोग, ये गलत बात है और बच्चों को पढ़ाने लिखाना चाहिए। हम बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे पद पर पहुँचाएँ, SDM DM बनवाएं और मेरा यही उद्देश्य है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं और किसी तरह का कोई दिक्कत ना आने पाए। आज संस्था के बारे में बता रहे थे, तुम्हारी संस्था क्या कर रही है इस बारे में? क्या कहते हमारे स्कूल जो संस्था से स्कूल सिलाई सेंटर वगैरह मजदूरों के लिए कुछ बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं उसके लिए, तो इसमें उनको कारोबार वगैरह के लिए आयोग किया जाता है और जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो और लेडीज़ वगैरह घर में रहती हैं उनको कोई यही नहीं है, बाहर काम वगैरह करने के लिए जाती हैं, उनको थोड़ा सिलाई सेंटर वगैरह भी संस्था की तरफ से और सीनियर जो भी खुला जा रहा है, जो सब आयोग जैसे कि सब क्षेत्रों की तरफ मेडिकल शिविर खोला जा रहा है वहाँ पर काम कर रहा है। हम लोगों ने जैसे मनरेगा जैसी योजना को पूरे देश में लागू करवाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संघ ने पैदल पदयात्रा भी की है, साथ ही उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कर्मिका कल्याण बोर्ड के गठन के लिए भी हमने आगरा से लखनऊ तक पदयात्रा की थी, हस्ताक्षर अभियान किए थे, तो जिसके माध्यम से आज श्रमिक समुदाय ये सभी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। संगठन का उद्देश्य है कि बच्चों, शिक्षक, शासन, माता पिता को रोजगार मिल सके, जिसके लिए श्रमिक समुदाय को कौशल विकास बढ़ते का आधार पर कौशल विकास से जोड़ा जाए। संगठन ने कौशल विकास केंद्र का भी जो है गठन किया, कौशल विकास केंद्र भी हमने बनाया है।